नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के एक ही टीके की दोनों खुराक लगवाना होगा जरूरी। जानिए कोरोना वैक्सीन से जुड़े अहम सवालों के जवाब। जी हाँ, तो किस प्रकार से आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है कि कोरोना वैक्सीन किन लोगों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी और इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होने वाली है। साथ ही बताएंगे कि आगे की रणनीति पर इसके लिए क्या चर्चा होगी। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत में और गिरेगा पारा, कई स्थानों पर बारिश तो कहीं चलेगी सर्द हवाएं। तो मौसम विभाग की ओर से क्या अपडेट जारी किया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे और किन किन राज्यों में ये अपडेट जारी किया गया है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों ब्रिटेन के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, चीन से उत्पन्न होगा एक और नया वायरस, साथ ही बता दिया है कोरोना के खत्म होने का समय, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोर्ट की ओर से जवान लड़के और लड़कियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब कोर्ट की ओर से क्या बयान जारी किया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना के कहर के बीच देश में बड़ी बर्ड फ्लू की दहशत, सरकार ने जारी कर दिया है इन राज्यों के लिए एडवाइजरी। जी हाँ, तो कौन कौन से राज्य हैं इसके लिए आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों लव जिहाद को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से भी एक बड़ा बयान आ रहा है। साथ ही दोस्तों यदि आपने भी आज नहीं किया ये काम तो आपको भी भरना पड़ेगा ₹10,000 का जुर्माना। जी हाँ, तो इस अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज के लिए आज हमारी ओर से एक प्रश्न है, जिसके अनुसार आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर केदारनाथ धाम यानी केदारनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बेके करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, देश भर में कोरोना का कहर जारी, जानिए कितने लोग हो चुके हैं संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 1,04,51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,51,048 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,75,00,000 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,20,591 है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, कोरोना वैक्सीन के लिए एक ही टीके की दोनों खुराक लगाना जरूरी। जानिए अहम सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, कोविन ऐप के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में शुरू होने वाला है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी लोगों के साथ बुजुर्गों और बीमार लोगों का टीका लगना है। इसके बाद सामान्य लोगों को टीका लगाना शुरू होना है। टीका बनाने वाली किसी भी कंपनी ने टीके का बच्चों पर असर होने का दावा नहीं किया है और न ही किसी देश ने इसके लिए हरी झंडी दी है। वहीं कोरोना का जो टीका पहली बार लगेगा वही टीका दूसरी खुराक के रूप में लगेगा, इसे भिन्नता नहीं हो सकती। पहला टीका लगवाने के बाद जो भी पर्ची मिले उसे अच्छे से पढ़ लेना होगा। वहीं दूसरी बार टीका लगवाया जाए तो अच्छे से आश्वस्त हो जाए कि दोबारा वही टीका लग रहा है जो आपको पहली बार लग रहा था। टीका लगवाने से 24 घंटे पहले किसी तरह का नशा करने से बचना होगा। वहीं रक्त में नशीला पदार्थ होने से तरलीब की आशंका बनी रहती है। ऐसे में चरस, गांजा और अन्य सूखा नशा करने वाले टीका लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर की मंजूरी जरूर ले ले। साथ ही दोस्तों हृदय रोग के मरीजों को टीके से कोई खतरा नहीं है। टीके के प्रभाव को ऐसे मरीजों पर जांच लिया गया है। मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप, मोटापा व अस्थमा के मरीज भी बेझिझक होकर टीका लगवा सकते हैं। ध्यान रहे कि टीका लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन आज 46वें दिन भी प्रवेश कर गया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे नीचे वे सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कानूनों में संशोधन की बात भी कही जा रही है, लेकिन इन्हें वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी गई है। दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। वक्त के साथ किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति को भी बदल दिया है।
बीते दिनों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जो आज बैठक करके किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उत्तरी पश्चिमी भारत में और गिरेगा पारा, कई स्थानों पर सर्द हवाएं चलने का अनुमान, जानिए क्या है मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट पहले से ज्यादा दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर भी चली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर की संभावना देखी जा सकती है। अगले दो दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, चीन से उत्पन्न होगा एक नया वायरस, साथ ही बता दिया कोरोना के खत्म होने का समय। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत से ही कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद से माना जा रहा है कि इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया फिर से अपने पुराने दिनों में लौट सकेगी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय भविष्यवक्ता क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने express.co.uk के हवाले से की है। हैमिल्टन की भविष्यवाणी के मुताबिक टीकाकरण की प्रक्रिया के कारण एक बार फिर से लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट पाएंगे। इस साल गर्मियां खत्म होने तक इस वायरस का हल निकाल लिया जाएगा। साथ ही हैमिल्टन की ओर से कहा गया है कि कोरोना के बाद चीन से एक नया वायरस पैदा होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि यह वायरस SARS-CoV-2 फैमिली से नहीं होगा और इसकी तबाही मचाने से पहले ही इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। भले ही यह वायरस जल्द कब्जे में आ जाए, लेकिन विश्व भर में लोगों का गुस्सा इससे कम नहीं होगा। इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई साल 2048 तक नहीं पता चलेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग कपल को साथ रहने का दिया आदेश, परेशान करने पर होगी सजा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो चुका है और इसे लेकर राज्य सरकार का रवैया भी सख्त है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। 23 वर्षीय मुस्लिम युवक और हिंदू धर्म से इस्लाम को अपनाने वाली 22 वर्षीय महिला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत बार बार कह चुकी है कि अगर दो व्यक्ति नाबालिग नहीं है और उन्होंने अपनी इच्छा से साथ रहने का फैसला किया है तो उन्हें शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लव जिहाद कानून के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, कहा इससे मिलेगी पीड़िताओं को मदद। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का समर्थन करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी से हुई शादियों की पीड़िताओं को मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कंगना ने दुष्कर्म के आरोपियों के प्रति सऊदी अरब जैसे सख्त कानून बनाने की अपील की है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी अरब जैसे देशों में दी जाने वाली सार्वजनिक फांसी का समर्थन किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज है इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख, तुरंत करें जमा वरना आपको भी चुकाना पड़ेगा जुर्माना। जी दोस्तों, आकलन वर्ष 2020-21 का ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन है। आज 10 जनवरी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है। आज के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर आगाह किया है कि ITR फाइल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। बता दें कि कोरोना की वजह से इसकी डेट बढ़ते बढ़ते 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है। यानी आज शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किया जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर के बीच देश में बड़ी बर्ड फ्लू की दहशत, सरकार ने जारी किए इन राज्यों के लिए एडवाइजरी। जी दोस्तों, बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 7 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा ने पैर पसार दिए हैं। देश के 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली की पक्षियों की हुई अकाल मृत्यु की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि बर्ड फ्लू की दहशत के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गाजीपुर कुक्कुट बाजार अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।